एवरीवन एलवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 9.5 के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, इन सबको मैच करना है, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है जो सही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, अ होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम क्या होता है, तो ये तो हम सब जानते हैं, किसी भी सॉइल में, किसी भी टाइप के सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, नंबर बी, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, अ होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड ऑफ सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल का अपर लेयर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर क्या होता है, सॉइल का सबसे ऊपर वाला लेयर किससे भरा होता है, लार्ज पार्टिकल से भरा होता है, तो ये जाएगा लार्ज पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल में देखिए लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है सैंडी सॉइल में। मिडिल लेयर ऑफ सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स पैक टाइट, मतलब मिडिल लेयर जो सॉइल का होता है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर क्लेई सॉइल डार्क इन कलर, ये ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए, अ होम ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर कौन सी सॉइल हो सकती है, तो सभी काइंड्स ऑफ सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। फिर नेक्स्ट, अपर लेयर ऑफ सॉइल, सबसे सॉइल के सबसे ऊपर वाली लेयर किससे भरी होती है, मैंने आपको ए होराइजन बी होराइजन पढ़ाया था, इसीलिए सबसे फर्स्ट लेयर किससे भरी हुई है, लार्ज पार्टिकल से भरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सैंडी सॉइल क्या होता है, उसमें बहुत कम ह्यूमस होता है। सैंडी सॉइल को अगर पिछले एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सैंडी सॉइल में देखेंगे ह्यूमस बहुत कम होता है। नेक्स्ट, मिडिल लेयर ऑफ सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक टाइट। सॉइल का जो बी होराइजन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट, क्ले सॉइल यानी क्ले की तरह, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट सॉइल होती है जिससे हम लोग पॉट बनाते हैं, जैसे कि मटका, पॉटरी का, जितने भी मटके गिलास मिट्टी के, ये सब हम लोग क्ले सॉइल से ही बनाते हैं। तो क्ले सॉइल किस कलर का होता है, डार्क इन कलर, क्ले सॉइल कलर में डार्क कलर का होता है, बहुत डार्क होता है, इसीलिए इसका जाएगा नंबर सी, डार्क इन कलर, ये कलर में बहुत डार्क होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।